सुबह के 8 बज गए हैं। रसोई घर में खट खट की आवाज आ रही है। आवाज सुनकर लगता है शायद कोई रसोई में अदरक कूट रहा है। गरम गरम चाय बनने की तैयारी हो रही है। एक 20-22 साल की युवती आकर्षक गोरा रंग, दिखने में सुंदर चाय बना रही है और चाय बनाते बनाते पलटकर एक कमरे को देखते हुए आवाज देती है, बच्चों उठ जाओ, सुबह के 8 बज गए हैं। क्या रविवार के दिन केवल सोकर ही गुजारना है? चाय के छोटे भगोने में जिसमें पानी खौल रहा होता है, अदरक को कूटकर उसमें डालकर युवती पलटती है और एक कमरे में आकर एक बिस्तर पर पड़ी हुई चादर को हटाती है और चादर को हटाती एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि चादर के हटाने पर वहां 3 तकिए के अलावा कुछ और नहीं होता। तभी उस युवती के पीछे से 3 प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर छोटी लड़कियां आकर उसके कमर में गुदगुदाने लगती है। युवती एकदम से पलटती है, तीनों को गले लगा लेती है, बोलती है, बहुत शरारती हो गई हो तुम तीनों। तीनों बच्चे हंसते हैं, दीदी आप हमें रविवार के दिन भी सोने नहीं देती है, आज तो सोने दिया करो। तो युवती कहती है, हर समय सोते रहने से इंसान का दिमाग कमजोर हो जाता है, अब जाओ जल्दी से मुंह हाथ धोकर आओ, उसके बाद मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। तीनों छोटी बच्चियां उम्र 10 से 12 साल के बीच उदास मन से बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ती है। सुंदर युवती उतनी देर में वापस रसोई घर में आकर चाय बनाने लगती है और साथ ही गैस के दूसरे बर्नर में दूध रखकर बॉर्नविटा की बोतल अलमारी से निकाल लेती है। तीनों बच्चियां नहा धोकर फ्रेश होकर आकर टेबल पर बैठती हैं। युवती आती है, एक ट्रे में 3 बॉर्नविटा वाले दूध के ग्लास और साथ ही एक चाय का कप होता है, लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। एक पैकेट खोलती है, उसमें से बिस्किट निकालकर बच्चियों के सामने प्लेट पर रखती है और बच्चों की तरफ दूध का ग्लास बढ़ाती है। तीनों बच्चियां जिनके नाम प्रिया, दीपाली और श्वेता होते हैं, एक एक कर अपने दूध के ग्लास लेती हैं। दूध पीते पीते श्वेता बोलती है, दीदी आज संडे है, कहां घूमने लेकर चलेंगी? तो प्रिया भी यही कहती है, दीदी कल आपने प्रॉमिस किया था कि आप आज हमें जनेश्वर पार्क घुमाने ले चलेंगी। युवती जिसका नाम निशा होता है और जो इन तीनों की दीदी होती है, बोलती है, हाँ मुझे पता है कि मुझे तुम लोगों को लेकर जनेश्वर पार्क जाना है, लेकिन पहले मैं आज एक जरूरी जगह पर जाना चाहती हूँ, जरूरी काम है, वहां से आकर मैं तुम लोगों को लेकर चलूंगी। तीनों एक साथ बोलती है, दीदी वादा करो पक्का लेकर चलोगी ना? निशा बोलती है, हाँ मैं तुमको लेकर जरूर चलूंगी, पर एक काम करो, तुम लोग अच्छे से जाओ, अपने कपड़े चेंज कर लो और टीवी लगाकर कार्टून देखना, बाहर गेट पर दोनों गार्ड हैं और आया को मैंने बोल दिया है वह तुम लोगों का ध्यान रखेगी, दोपहर का खाना बनाकर जब तुम लोगों को खिलाए तो खा लेना, मैं जल्द ही आ जाऊंगी, फिर हम लोग चलेंगे। 11 बजे के करीब निशा अपने रूम से बाहर निकलती है, नीले रंग के जीन्स, सफेद टी शर्ट के साथ ब्लैक कलर का उसने चश्मा लगाया होता है। बाहर निकलकर अपने सफेद रंग की मर्सिडीज कार में बैठती है, गेट के पास आती है, काफी बड़ा गेट होता है, चौकीदार गेट खोलता है, गेट से कार जैसे ही बाहर निकलती है, अचानक 15-20 लोग हाथ जोड़कर उसके सामने आ जाते हैं। निशा अपने कार से उतरती है, लोगों के सामने जाती है, लोगों में औरतें, बूढ़े और बच्चे होते हैं, तुरंत उसके पैरों पर गिर पड़ते हैं और उससे बोलने लगते हैं, रहम करो दीदी, रहम करो, हम लोगों की रक्षा करो, हमको बचा लो, वरना हम 1200 लोग की झोपड़ियां, हमारा पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा, रक्षा करो हम लोगों की दीदी, रक्षा करो। लड़की सबको उठाती है, सबको शांत करती है और बोलती है, बताइए क्या हुआ, आप लोग किस लिए इतने परेशान हैं?
मेरी कौन सी मदद की आप लोगों को जरूरत है? अगर मेरे से हो सकता है तो मैं जरूर करूंगी आप लोगों की मदद। एक बूढ़ा आंखों में आंसू लिए बोलता है, हाँ बेटी, एक तुम ही हमारी मदद कर सकती हो, क्योंकि पूरे भारत में एक तुम ही सबसे ज्यादा प्रचंड विद्वान महान तांत्रिक निशा हो। कुछ महीने पहले हमारे गांव में एक बाबा आए थे। वो हमारी मुसीबतों से हमें छुटकारा नहीं दिला सके, तब उन्होंने ही तुम्हारा नाम पता दिया और कहा था तांत्रिक निशा से मिलो जाकर, वो आपकी रक्षा कर सकती है, इसलिए अब आप हमें बचा लो। निशा बूढ़े को सांत्वना देती है और कहती है, बाबा आप लोग कहां से आए हैं? बूढ़ा बताता है, लखनऊ से बाराबंकी के बीच एक सोनपुर नाम का गांव है, हम सब वहीं से आए हैं और हमारी समस्या ये है कि हमारे यहाँ जब भी सुबह लोग उठते हैं तो किसी के घर में खून के छींटे पड़े मिलते हैं, किसी के कपड़े फटे मिलते हैं, किसी के घर का रात का रखा हुआ खाना सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, या तो फिर किसी के घर में किसी के शरीर में चोट या फोड़े फुंसी निकल आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हमें पता नहीं, लेकिन 10 दिन से हमारे गांव में ये महामारी फैल गई है। हमें तुम ही बचा सकती हो, बेटा हम लोगों को बचा लो। निशा उस बूढ़े को सांत्वना देती है, कहती है, बाबा मैं आप लोगों की रक्षा करूंगी, आप लोग ये बताइए इतनी दूर यहाँ कैसे आए हैं? तो सब एक साथ बोलते हैं, हमारे साथ हमारे मुखिया जी श्री हेमलाल हमें लेकर आए हैं, वो देखिए वहाँ चौराहे पर बस खड़ी है, हम बस से ही आए हैं और यही बस हमें हमारे गांव भी छोड़ देगी। निशा बोलती है, ठीक है चलिए मैं आपके बस के पीछे अपनी कार लेकर चलती हूँ। सभी गांव वाले खुशी खुशी अपने आंसू पोंछते हुए बस की तरफ चल पड़ते हैं। अपनी कार में बैठकर निशा उनके पीछे पीछे चलने लगती है। 1 घंटे के सफर के बाद बस एक उजड़ी सी सुनसान रास्ते पर जाकर रुकती है। निशा अपनी कार उनके बस के बगल में लाकर रोकती है, कार से उतरती है, बस से सभी लोग उतरकर निशा के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा आपके पीछे जो पतली पगडंडी दिखाई दे रही है वहीं से हमारे गांव शुरू होते हैं। निशा कहती है, तो फिर इंतजार किस बात का, चलिए। सब लोग निशा के साथ साथ गांव के अंदर पहुंचते हैं। बस से जितने लोग आए होते हैं उनके अलावा गांव में 20-30 झोपड़ियां होती हैं। हर एक झोपड़ी में से स्त्री पुरुष बच्चे बाहर निकलकर दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और निशा को और बाकी लोगों को देखने लगते हैं। तभी मुखिया जी जो बस के साथ साथ आया होता है सभी गांव वालों से कहता है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ महातांत्रिक देवी निशा आई हैं, ये हम लोगों की मदद करेंगी, हमारे गांव में जो संकट फैला हुआ है ये हमें उससे मुक्ति दिलाएंगी। निशा मुखिया की बातें सुनकर धीरे से मुस्कुराती है, अपनी दोनों जेब में हाथ डालती है, लकड़ी और धातु से मिश्रित 2 कंगन निकालती है, उनको दोनों हाथों में पहनती है, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़कर आंखें बंद करती है। कुछ मिनट बाद आंखें खोलती है और सामने देखती है, सामने उसे 4 छोटे रास्ते वाला चौराहा नजर आता है। जैसे उस स्थान पर जाती है, हल्का से झुककर अपनी एक उंगली को जमीन पर रखती है, उसके उंगली रखते ही पूरी गांव में तेज हवा धूल के साथ साए साए करके हवा चलने लग जाती है। सारे गांव वाले बच्चे स्त्रियां झोपड़ी के अंदर भागते हैं और कुछ जवान अपने हाथों
15 मिनट के बाद आंधी रुक जाती है। सब लोग निशा की तरफ ध्यान से देखते हैं। सबके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ जाते हैं, क्योंकि जहां निशा जमीन पर बैठी होती है उसके ठीक सामने एक काले रंग की परछाई अजीब सी सड़ी गली हालत में खड़ी होती है। उसके शरीर के अधिकतर जगह के मांस सड़ चुका होता है, जहां पर छोटे छोटे कीड़े दिखाई दे रहे होते हैं। निशा लाश को देखती है, उठती है और बोलती है, क्या बिगाड़ा है तेरा गांव वालों ने? क्यों इतना परेशान कर रही है? क्या कसूर है इनका? उस लड़की की लाश निशा से कहती है, इन लोगों ने हमारे रहने की जगह छीन ली, इसलिए हम इनके रहने की जगह छीन लेंगे, कब्रिस्तान बना देंगे इस पूरे गांव को। निशा कहती है, मुझे तुम देखने में भले ही चुड़ैल लगती हो, लेकिन तेरे अंदर भी अच्छाइयों की ताकत है। मुझे बताओ, क्या हुआ है तुम लोगों के साथ? कौन सी दुनिया छीनी इन लोगों ने? निशा की बात सुनकर अब लाश का क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है। वो बड़े प्यार से निशा से कहती है, आप अगर हमें इस नरक से मुक्ति दिलाएंगी तो इसका हम एहसान जिंदगी भर मानेंगे। निशा बोलती है, मैं तुम लोगों को मुक्ति दिला दूंगी, लेकिन बताओ तुम कौन हो और कौन कौन है तुम्हारे साथ? तो लाश कहती है, मेरा नाम पीहू है। आज से 70 साल पहले जो यहां पर हमारी बस्ती हुआ करती थी, हम लोग बन जा रहे हैं और वो देखिए हम सब की आत्माएं। निशा के साथ साथ सारे गांव वाले देखते हैं। चौराहे को पार करने के बाद खूब ढेर सारे छोटे बच्चे, जवान, स्त्री पुरुष सबके झुंड दिखाई देते हैं। सबके सब उसी सड़ी गली हालात में लाशों की तरह सब खड़े होते हैं। सभी गांव वालों के रोने खड़े हो जाते हैं। फिर से उससे पूछती है, हाँ पीहू, बताओ क्या दिक्कत हुई? कैसे हाल हुआ ये तुम सबका? पीहू कहती है, दीदी, एक बार महामारी फैल गई, भयानक महामारी। ऐसी महामारी की हमारे गांव में डॉक्टरों ने आने से मना कर दिया। न कोई डॉक्टर, न कोई हकीम, न कोई वैद्य, कोई हमारे गांव में आने को तैयार नहीं, और हम लोगों के बाहर निकलने से सरकार ने भी रोक लगा दी। हमारे गांव के चारों तरफ 20-20 फुट ऊंची दीवार, उसके ऊपर कांटेदार तार लगा दिए गए और पुलिस चौकी भी थोड़ी दूर पर बना दी, और पुलिस वालों को सख्त हिदायत दी गई कि कोई गांव वाला यहां से बाहर दिखाई दे तो उसको तुरंत गोली से उड़ा दो। हम लोग इसी बस्ती में तड़प तड़प के मर गए। जब सरकार को पूरी तरह विश्वास हो गया कि हाँ हम सब मर चुके हैं, तो उसने हम सब की लाशों को न जलाया न दफनाया, हम सबको पीछे पड़े उस सूखे तालाब में फेंकवा दिया। फिर धीरे धीरे समय बदला। इस जगह इन लोगों ने आकर अपनी झोपड़ियां मकान तैयार किए, और एक बार इन्हीं गांव वालों ने मिलकर तालाब खोदकर उसमें पानी भरने का निश्चय किया। जब इन लोगों ने तालाब खोदना शुरू किया तो वहां हमारी हड्डियों के अवशेष मिले। इन लोगों को तब भी अक्ल नहीं आई कि उन हड्डियों को जला दें। उन्होंने उन हड्डियों को तुरंत इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। कहीं किसी ने झाड़ियों में फेंक दी तो किसी ने जंगल में फेंक दी, किसी ने ऐसे ही रास्ते में फेंक दी। बस इतने सालों से सोई हुई हमारी आत्माएं अब भड़क गई, और इसी बात का हम लोग बदला ले रहे हैं।
और इस अपराध के लिए मैं समस्त गांव वालों की तरफ से माफी मांगता हूँ। हेमलाल का इतना बोलते ही सारे गांव वाले हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। पीहू सारे गांव वालों को माफी मांगते देखकर निशा से कहती है, इन लोगों को तो हमने माफ कर दिया दीदी, आप हमें मुक्ति दिला दीजिए वरना हम सब ऐसे ही भटकते रहेंगे। निशा हेमलाल से कहती है, मुखिया जी खूब ढेर सारी लकड़ियां तैयार करिए और एक बड़ी जगह पर ढेर बनाइए और जिन लोगों के हड्डियों के अवशेष मिले हैं उन सब अवशेषों को बटोर कर इन सूखी लकड़ी के ढेर के ऊपर रखिए। याद रखिएगा कोई भी अवशेष बाहर छूटने न पाए। सारे गांव वाले तुरंत काम पर लग जाते हैं। 2 घंटे की मेहनत के बाद उसी चौराहे पर खूब बड़ा लकड़ियों का एक चिता तैयार होती है और चिता के ऊपर सारे बंजारों की हड्डियों के अवशेष रखे जाते हैं। निशा अपने जूते उतारकर जमीन पर एक खास योग मुद्रा में बैठकर आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ रही होती है। 15 मिनट बाद निशा उठती है, अपने हाथ में शुद्ध जल लेती है, चिता पर छिड़कती है। उसके बगल में खड़ी हुई पीयू की आत्मा मुस्कुराकर निशा की ओर देख रही होती है। निशा देसी घी लगी हुई मशाल में आग जलाकर चिता में आग लगा देती है। चिता धू धू कर जलने लग जाती है। इतना करते ही पीहू और बाकी बंजारों की आत्मा के चारों तरफ जो सड़ा गला मांस होता है वो गायब होने लग जाता है। सब अपने पुराने रूप में आने लग जाते हैं। पीहू एक सुंदर आत्मा के रूप में बदल जाती है। ऊपर आसमान में अपने सारे साथियों को उड़ते हुए गायब होते देखती है। आंखों में आंसू भरे हुए कहती है, निशा दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें मुक्ति दिलाई। आपका ये एहसान हमारे ऊपर, कभी मौका मिला तो इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। इतना बोलकर पीहू भी गायब हो जाती है। निशा वापस गांव वालों की तरफ आती है। सारे गांव वाले निशा के पैरों की तरफ झुकने लगते हैं। निशा मना कर देती है। एक छोटी सी बच्ची निशा को छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा दलिया लेकर आती है, दीदी ये खा लीजिए। निशा छोटी बच्ची के प्यार को मना नहीं कर पाती और दलिया खा लेती है। उसके बाद वापस गांव वालों से विदा लेकर अपनी कार में बैठती है। सारा गांव उसको गांव के बाहर तक छोड़ने आता है। कार चलाते हुए वापस शहर की ओर आते हुए निशा ने घड़ी में टाइम देखती है। शाम के 4 बज चुके होते हैं। निशा जब घर पहुंचती है शाम के 4:30 बज चुके होते हैं। गार्ड गेट खोलता है। कार जैसे ही अंदर प्रवेश करती है दीपाली प्रिया और श्वेता तीनों छोटी बच्चियां दौड़कर कार के पास आती हैं। निशा कार से उतरती है और कहती है, शरारती बच्चों आज क्या किया दिन भर, खाना अच्छे से खाया कि नहीं? श्वेता कहती है, हाँ दीदी हम सब ने अच्छे से खाना खा लिया है और हम सब तैयार भी हैं। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, चाय या कॉफी जो भी पीनी हो पी लीजिए और चलिए, क्योंकि शाम का मौसम है, सूरज हल्का हल्का डूबेगा, यही घूमने में मजा आ जाएगा। निशा बोलती है, ठीक है ठीक है। चारों घर के अंदर आते हैं। निशा जाती है, 15 मिनट बाद फ्रेश होकर निकलती है। तीनों बच्चे निशा को देखते हैं। निशा ने लखनवी चिकन की कढ़ाई से युक्त क्रीम कलर का सुंदर सलवार कुर्ता पहना होता है। निशा अपना पर्स मोबाइल उठाकर अपने हाथों में वही लकड़ी और धातु के मिश्रण से बनी कंगन पहनती है। कार में सब बैठते हैं। निशा कार चलाते हुए मेन गेट से बाहर निकलती है। निशा कार लेकर पार्क की तरफ चल पड़ती है। तीनों बच्चियां आपस में अंताक्षरी खेल रही होती हैं, खूब खुश हो रहे होते हैं। तभी निशा के मोबाइल पर एक कॉल आती है। निशा कॉल उठाती है। हेलो, उधर से एक आवाज आती है। आदमी बोलता है, निशा जी
आपसे बहुत जरूरी काम है और ऐसा काम जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। निशा बोलती है, आपको जो भी काम है आप मुझे कल फोन करिएगा, कल बात करिएगा मुझसे, आज मैं कहीं नहीं जा सकती, आज मैं अपनी छोटी बहनों को घुमाने ले जा रही हूँ। आदमी बोलता है, हाँ कोई बात नहीं, हमें काम आपसे दिन में नहीं रात में है। निशा चौंक जाती है, रात में क्या काम है? आदमी बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, आपको हमारे साथ पंथरा के आगे एक धौलपुर नाम के गांव में जाना है, उस गांव के अंदर पुराने कब्रिस्तान में चलना पड़ेगा, हमें उस कब्रिस्तान में एक कब्र के अंदर से कुछ निकालना है, बस उसे निकालने में आप हमारी मदद कीजिए, इतना ही हम आपसे चाहते हैं और इसके बदले में आपको मुंह मांगी रकम हम देंगे। निशा इतना सुनकर गुस्से में आ जाती है, कहती है, मूर्ख, मेरा काम आत्माओं को मुक्ति दिलाना है, लोगों की मदद करना है, किसी सोई हुई आत्मा को परेशान करना नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करती। इतना बोलकर निशा फोन काट देती है। थोड़ी देर में जनेश्वर पार्क आ जाता है। निशा वहां पहुंचकर पार्किंग में कार पार्क करती है। चारों कार से उतरते हैं। सबसे पहले निशा सबको एक एक आइसक्रीम लाकर देती है, खुद भी एक आइसक्रीम लेकर पार्क के अंदर आती है। आइसक्रीम खाते खाते चारों पार्क में घूमते हैं, झूले में झूलते हैं। निशा अपनी तीनों छोटी बहनों के साथ खूब इंजॉय कर रही होती है। तभी एक छोटी सी लड़की कहीं से आती है, आकर निशा को एक लिफाफा देकर दौड़ जाती है। निशा लिफाफा खोलती है, लिफाफे में एक छोटे से कागज में लिखा होता है, तांत्रिक देवी जी सोच लीजिए, अगर हमारी बात मानेंगी तो बहुत पैसा कमाएंगी और नहीं मानेंगी तो आप सोच भी नहीं सकती कि आपके साथ हम लोग क्या क्या करेंगे। निशा तुरंत उस छोटी बच्ची को देखती है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई देती। निशा अपनी तीनों बहनों से जल्दी घर चलने को बोलती है, तो दीपाली कहती है, क्या दीदी, आधा घंटा हुआ है, कम से कम एक घंटा तो खेलने दो। निशा कहती है, नहीं फिर कभी आकर खेल लेंगे, अभी घर चलो। तीनों बहनें उदास मन से आकर वापस कार में बैठकर निशा के साथ घर की तरफ चल पड़ती है और निशा सोचती रहती है कि किसने फोन किया, कौन हो सकता है मुझसे ऐसे बात करने वाला। घर पहुंचकर निशा कार को अंदर पार्क नहीं करती, बाहर रोड पर खड़ा रखती है, उतरती है, तीनों बहनों को उतार कर कहती है, तुम लोग घर जाओ, मुझे जरा जरूरी काम है, मैं अभी आती हूँ। निशा आया को आवाज देती है, आया आ जाती है, तीनों बच्चियों को आया के हवाले कर वापस कार में बैठकर चली जाती है। 20 मिनट बाद निशा की कार पुलिस हेडक्वार्टर के सामने पहुंचती है। निशा कार से उतरती है, अंदर जाती है। अंदर पुलिस कमिश्नर अमन सिंह, जो कि निशा को अच्छे से जानता होता है, निशा को देखते ही कहता है, अरे मैडम आपको क्या हुआ, आप यहाँ पर कोई खास काम है क्या? निशा आती है, अपना मोबाइल निकालती है और उस अनजान नंबर को कमिश्नर अमन को दिखाकर कहती है कि इस नंबर से मुझे कॉल आया था, और वो छोटा सा कागज भी दिखाती है। कमिश्नर तुरंत उस अनजान नंबर को अपने एक सिपाही से बोलकर सर्विलांस पर लगाता है, लेकिन वो नंबर किसका है ये पता नहीं चलता, कहां से आ रहा था ये भी पता नहीं चलता। निशा कहती है, कमिश्नर साहब मैं अपने लिए नहीं डरती, लेकिन मुझे अपनी तीनों छोटी बहनों की जान बहुत प्यारी है, उनके ऊपर कुछ ना आए वरना मैं कयामत ढा दूंगी जिसने उनके साथ कुछ गलत किया तो। कमिश्नर अमन निशा को एक ग्लास पानी देता है और बोलता है, आप शांति से पानी पीजिए और परेशान न होइए, हम आपके नंबर को अपने सर्विलांस पर ले रहे हैं, अगर आपके यहाँ कोई भी अनजान नंबर से फोन आएगा तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे और उसकी वास्तविक स्थिति का पता लगा लेंगे। निशा वापस बाहर निकलती है, अपनी कार का दरवाजा खोल के जैसे ही बैठती है उसके सीट पर एक लिफाफा रखा होता है। निशा ये सोचती है कि मैंने तो कोई
नहीं रखा था, ये लिफाफा कहां से आ गया? लिफाफा खोलती है, लिफाफे के अंदर एक कागज पर लिखा होता है, क्या मैडम आपको क्या दिक्कत है? हमारी बात मान लीजिए, आपने अपनी तीनों बहनों को जिन्हें घर पर छोड़ा है, क्या पता उनको कुछ हो जाए? इतना पढ़कर निशा घबरा जाती है। घबरा कर चिल्लाते हुए पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर आती है। कमिश्नर अमन तुरंत हेडक्वार्टर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज देखता है। सीसीटीवी में दिखाई देता है कि निशा की कार खड़ी होने के 5 मिनट बाद एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता आता है। निशा की कार की खिड़की खुली होती है और उस कुत्ते के मुंह में कुछ होता है। वह उछलकर खिड़की के अंदर लिफाफा फेंकता है और चला जाता है। सब हैरान हो जाते हैं कि इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग कुत्ते को दी गई है। पहले के जमाने में लोग आदमियों पक्षियों के माध्यम से इधर उधर पत्र पहुंचाते थे, अब कुत्ते को ट्रेनिंग दी जा रही है। कुत्ता कहां से आया नहीं पता चलता, कहां गया ये भी नहीं पता चलता। सबके चेहरे पर अजीब सी परेशानी के भाव आ जाते हैं। कमिश्नर अमन निशा से कहता है, आप घर चलिए, मैं 4 कांस्टेबल आपके घर के बाहर पहरा देने के लिए खड़ा कर देता हूँ। निशा कहती है, कमिश्नर साहब देखिए, मेरे पास भी ऐसी शक्तियाँ हैं कि मुझे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने शक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए हासिल की है, इसलिए मैं अपनी कसम नहीं तोड़ना चाहती। बस आप मेरी बहनों की रक्षा करवा दीजिए, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। कमिश्नर निशा को यकीन दिलाता है कि अब कोई अनहोनी घटना नहीं घटेगी। निशा वापस कार में बैठकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। निशा के जाने के बाद एक कांस्टेबल आकर अमन से कहता है, क्या सर आप उस लड़की के लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं? अमन कहता है, ये कोई मामूली लड़की नहीं, एक सच्ची तंत्र शिरोमणि है, इसलिए इसको जो परेशान कर रहा है हम उसे जल्द ढूंढ लेंगे, वरना अगर ये ढूंढने निकल पड़ी तो कयामत आ जाएगी। कौन है ये अनजान शख्स जो निशा को फोन करके अपना काम निकलवाने के लिए निशा को इस तरह परेशान कर रहा है? उस निशा को जिसने महान तांत्रिक देवी निशा के नाम से पूरे भारत में जाना जाता है, जिसको तंत्र शिरोमणि नाम का गोल्ड मेडल भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा मिल चुका है। क्या निशा उस शख्स का काम करेगी? इस कथानक के अगले भाग में इस रहस्य का पर्दा उठेगा। इसके साथ ही अब तक आप लोगों ने जो न सोचा वह भयानक, डरवाने, रोंगटे खड़ा कर देने वाला विभस कथानक आने वाला है। ये जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। इस कहानी के अगले भाग के लिए इंतजार कीजिए।